चैप्टर 15 कक्षा की वस्तुएं, पेज नंबर 24। तो देखो कक्षा की वस्तुएं मतलब आपके जो क्लासरूम है, तो यहाँ जो पिक्चर दिए है, तो ये पिक्चर्स में से कौन सी जो चीज़ है वो आपके क्लासरूम में होती है, तो आपको वो पहचानना है और उसके सामने टिक करना है। देखो और पहचानो, जो वस्तुएं आपके वर्ग में हो उस चौकट में टिक का निशान लगाओ। तो जो इसमें जो ये पिक्चर दिया है उसमें से जो चीज़ आपके क्लासरूम में है उसके सामने टिक करना है। नाउ देखो, ये सोफ़ा, सोफ़ा होता है क्लासरूम में? नहीं। ये मेज मतलब टेबल होता है ना, तो उसके सामने आपको टिक करना है। आफ्टर कुर्सी, कुर्सी होती है ना, तो उसके सामने हमें टिक करना है। फिर पंखा, तो देखो पंखा भी होता है क्लासरूम में, तो हम वहाँ टिक करेंगे। नेक्स्ट ये क्या है? टेलीविज़न, तो टेलीविज़न क्लासरूम में होता है? नहीं होता है ना, तो हम टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट ये क्या है? चौक, तो देखो क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चौक भी तो चाहिए, तो हम वहाँ चौक यहाँ टिक करेंगे, चौक भी क्लासरूम में होता है। नेक्स्ट ये देखो ब्लैक बोर्ड, देखो पहले अभी हमारे क्लास में आपने देखा कि व्हाइट बोर्ड है और हम मार्कर से राइट करते हैं, पर पहले मतलब बहुत साल पहले ब्लैक बोर्ड क्लासरूम में होता था और चौक से हम राइट करते थे, तो ये क्या है? श्याम पद मतलब ब्लैक बोर्ड, तो क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड भी होता है, तो वहाँ टिक करना है। फिर देखो ये चार्ट है, क्लासरूम में चार्ट भी लगाते हैं ना, तो ये कौन सा चार्ट है? वर्णमाला का, स्वर और व्यंजन, तो ये क्लासरूम में होता है, तो हम उसके सामने भी टिक करेंगे। तो लिसन डॉल, आज हमने जो मात्राएं होती है तो उसके जो दिया तो आइडेंटिफाई करके लिखना हमने सीखा। आफ्टर क्लासरूम में जो जो चीज़ होती है पिक्चर में दिए है और हमें क्लासरूम में जोता है उसके सामने हमें टिक करना है, वो पिक्चर के सामने, वो भी हमने देखा। तो आपको समझ में आया ना? ठीक है, ओके। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम चैप्टर 16 बड़ा ओ की मात्रा सीखेंगे। ये कौन सा हो है? बड़ा ओ, ओ बड़ा ओ से ऊन, बड़ा ओ से ऊपर, तो हम ये मात्रा सीखेंगे। देखो यहाँ ये क्या है? क, उसके साथ हमने बड़ा ओ की मात्रा जोड़ दी, तो क्या हुआ? कु। समझ में आए ना? नाउ स्टार्ट। अब देखो ये क्या है? ज, ज के साथ हमने बड़ा ऊ की मात्रा जोड़ दी, तो क्या हुआ? जू। ब के साथ ऊ की मात्रा हमने जोड़ दी, तो क्या हुआ? बू। स के साथ बड़ा ऊ की मात्रा हमने जोड़ दी, तो क्या हुआ? सू। ज के साथ हमने बड़ा ऊ की मात्रा जोड़ दी, तो क्या हुआ? जू। र के साथ हमने ऊ की मात्रा जोड़ दी, तो क्या हुआ? रू। नाउ देखो ये किसका पिक्चर है? चूल्हा का पिक्चर है ना, तो ज, उसके साथ हमने ऊ की मात्रा जोड़ दी, प्लस ल प्लस आ की मात्रा, तो क्या हुआ? जू ला। वैसे ही ये किसका पिक्चर है? ये बूढ़े आदमी का पिक्चर है ना, जो एजेड एज हो जाती है, जेड उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? बूढ़ा। तो देखो ब प्लस ओ की मात्रा प्लस ड प्लस आ की मात्रा, तो कौन सा शब्द बना? बूढ़ा। नेक्स्ट एक इसका पिक्चर है, सूरज का। स प्लस ओ की मात्रा बड़ा ओ की मात्रा प्लस र प्लस ज, तो कौन सा शब्द बना? सूरज। वैसे ही एक इसका पिक्चर है, जूता। ज प्लस ओ की मात्रा प्लस त प्लस आ की मात्रा, तो कौन सा शब्द बना? जूता। वैसे ही एक इसका पिक्चर है, तराजू। कुछ भी हम चीज लेने जाते हैं ये दुकान पे, तो ऐसे सब्जी वाला भी देखो ऐसे लाता है, फिर इसमें हमें वेट करके देता है ना, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तराजू। त प्लस र प्लस आ की मात्रा प्लस ज प्लस
उ की मात्रा, तो त रा जू। ऐसे ये कौन से बर्ड का पिक्चर है? कबूतर। क प्लस ब प्लस बड़ा उ की मात्रा प्लस त प्लस र, कबूतर। ऐसे ही ये किसका पिक्चर है, कौन सा फ्रूट है ये? तरबूज। त प्लस र प्लस ब प्लस उ की मात्रा प्लस ज, तरबूज। वैसे ये किसका पिक्चर है? रुमाल, हैंडकरचीफ बोलते हो ना आप उसको, वो। र प्लस बड़ा उ की मात्रा प्लस म प्लस आ की मात्रा प्लस ल, रुमाल। तो आज हमने बड़ा उ की मात्रा वाले शब्द देखे और शब्द कैसे बनाने हैं वो भी हमने सीखा। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 26, चैप्टर 17, उसका नाम क्या है? नीन। तो देखो पिक्चर में, ये किसका पिक्चर है? सूरज का पिक्चर है। फिर ये किसका पिक्चर है? ये झूला है, क्या है? झूला। और ये चूहा, और ये कबूतर। तो चलो हम कविता स्टार्ट करते हैं। जून का महीना था, सूरज चमक रहा था, मीनू झूला झूल रही थी, वह पूरी आलू पुलाव खा रही थी। तभी बड़ा सा चूहा नीनू पर कूदा, नीनू डर गई। तब तक उड़ता उड़ता कबूतर आया, नीनू बहुत खुश हुई। लिसन, देखो जून का महीना था, सूरज चमक, जून महीने में बहुत गर्मी पड़ती है ना, तो सूरज बहुत जोरों से चमक रहा था। और जो ये लड़की, इसका नाम क्या है? नीनू। तो नीनू झूला झूल रही थी, और झूला झूलते झूलते वह पूरी आलू और पुलाव खा रही थी। देखो उसकी गोद में ना थाली, उसमें है पूरी आलू और पुलाव, तो झूला झूलते झूलते वह खा रही थी। तो तभी एक बड़ा सा चूहा आया और नीनू पर कूदा, तो नीनू तो एकदम से डर गई कि बाप रे कितना बड़ा चूहा आया है। तब तक उड़ता उड़ता वहाँ कौन आया? कबूतर आया। तो नीनू खुश हो गई कबूतर को देखकर कि वाह, अरे वाह, उड़ता उड़ता कबूतर यहाँ आया, तो वो खुश हो गई। पढ़ो और समझो। तो देखो यहाँ सारे बड़ा उ की मात्रा वाले शब्द है, तो हम ये पढ़ेंगे। फूल, पूजा, मूली, काजू, फूल, चूना, चूड़ी, आलू, धूल, भूना, पूरी, भालू। ये जो सारे शब्द है वो सब में देखो बड़ा उ की मात्रा लगी हुई, बड़ा उ की मात्रा वाले शब्द हैं। नाउ नेक्स्ट, देखो समझो और बोलो। तो देखो र, उसके साथ को किसकी मात्रा जुड़ी है? छोटे उ की। कौन सी? छोटा उ की। और देखो ये र, उसके साथ कौन सी मात्रा जुड़ी हुई है? बड़ा उ की। तो देखो ये मात्रा मात्रा में फर्क है। देखो ये र है, छोटा उ की मात्रा ऐसे होती है, और बड़ा उ की है तो ऐसे बड़ा करना है इसे। समझ में आया ना आपको? तो ये छोटा उ की मात्रा है और ये बड़ा उ की मात्रा। तो देखो रुपया, रुचि। फिर रूपा, रूठी। तो देखो बोलने में ये जो बोलेंगे तो हम लंबा नहीं बोलेंगे, रुपया रुचि। अब देखो रूपा, पीछे रू लंबा होता है ना, रूपा रूठी। तो समझ में आया ना आपको? ये छोटा उ की मात्रा है, ये
बढ़ाओं की मात्रा है। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 27। ये हमें ओमिट रखना है, ये हमें करना नहीं है। नेक्स्ट आ उचित उत्तर पर टिक का निशान लगाओ। कौन सा महीना था? तो देखो जून का महीना था ना, तो हम जून के सामने जो बॉक्स है वहाँ टिक करेंगे। नीनू किससे डर गई? चूहे से, बिल्ली से या कबूतर से? तो चूहे से डर गई। नीनू किसे देखकर खुश हुई? चूहों को, कबूतर को या मोर को? तो नीनू कबूतर को देखकर खुश हो गई। तो वहाँ हम टिक करेंगे, जो सही आंसर है उसके सामने हमें टिक का निशान करना है। नेक्स्ट वाक्य पूरे करो। नीनू डैश झूल रही थी, तो नीनू झूला झूल रही थी। तभी बड़ा सा चूहा नीनू पर कूदा। तभी बड़ा सा चूहा नीनू पर कूदा। तब तक उड़ता उड़ता कौन आया? कबूतर। तब तक उड़ता उड़ता कबूतर आया। आपको यहाँ ब्लैंक्स दिए, उसमें आपको सही वर्ड्स राइट करके सेंटेंस कंप्लीट करना है। देखो नीनू झूला झूल रही थी, तभी बड़ा सा चूहा नीनू पर कूदा। तब तक उड़ता उड़ता कबूतर आया। समझ में आया ना? ई चित्र देखकर सही नाम पर गोला बनाओ। तो देखो ये किसका पिक्चर है? अमरूद। ये अमरूद है ना, आम भी नहीं है और तरबूज नहीं है। कौन सा है ये फ्रूट? अमरूद। तो हम उसके पर गोला करेंगे। नेक्स्ट ये किसका पिक्चर है? मूली। गाजर है? नहीं। खीरा है? नहीं। कौन सा है? मूली। तो हम मूली पर गोला करेंगे। नेक्स्ट ये कौन है, किसका पिक्चर है? बूढ़े आदमी का पिक्चर है ना, बूढ़ा। देखो बूढ़ा, चिड़िया और गुड़िया। तो सही आंसर है बूढ़िया, बूढ़ा, सॉरी बूढ़ा। तो उसके पर हम गोला करेंगे। नेक्स्ट नीचे दिए हुए शब्द को गाढ़ा करो। तो यहाँ आपको ये ट्रेस करना है। तो ये क्या लिखा है? जू ना। फिर ये सू र ज। स्लोली स्लोली ट्रेस करना है। ज उसके साथ उ की मात्रा, फिर ल उसके साथ आ की मात्रा, तो झूला। फिर अ उसके साथ हमने आ की मात्रा जोड़ी दी, आ। फिर ल उसके साथ हमने उ की मात्रा जोड़ दी, तो कौन सा शब्द बना? आलू। नेक्स्ट च उसके साथ हमने बड़ा उ की मात्रा जोड़ दी, फिर उसके साथ हमने ह जोड़ा, फिर आ की मात्रा, तो चूहा। समझ में आया? जून, सूरज, झूला, आलू, चूहा। तो आज हमने चैप्टर 16 बड़ा उ की मात्रा, फिर 17 देखा और उसकी एक्सरसाइज भी देखी। हमने सारे में बड़ा उ की मात्रा वाले शब्द देखे और की मात्रा भी हमने समझी। समझ में आया ना? ओके बाय।